हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी बस, एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग रियली वेल। सो आप लोगों ने वीडियो का टॉपिक पढ़ा, एनसीएसएम सीरीज जेईई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी 2022 प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, आप लोगों ने वीडियो का नाम पढ़ा। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस तरीके की और कहां से हमें लर्निंग करने को मिलेगी। क्या हो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों ने अरिहंत की बुक का नाम सुना है? अरिहंत की बुक से पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, अरिहंत की बुक से बहुत सारे टॉपर्स निकलते हैं। तो आप लोग अरिहंत की बुक लो, फिर क्या हो आप लोग ये बोलो कि हमने अरिहंत की बुक के बारे में सुना है बट हमें ऐसा लगता है कि अरिहंत की बुक पढ़ना इज जस्ट नॉट इनफ, वी वांट समवन कि वो हमें पर्सनल मेंटरशिप करे, समवन जो हमें उस टॉपिक को क्लियर करे। इंग्लिश का सारा सिलेबस को हमें पढ़ाए अरिहंत की बुक से, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट आपको कोई पढ़ाए अरिहंत की बुक से, क्योंकि अरिहंत की बुक बहुत अच्छी होती है पर्सनली ऐसा मुझे लगता है। एंड जीके एंड करंट अफेयर्स कोई आपको पढ़ाए, सर्विस लोगों को बोलना चाहूंगा कि यस इट इज ट्रू। तो करंटली हमारी टीम इसके ऊपर बहुत टाइम से डिस्कस कर रही थी एंड फाइनली वी आर सो प्लीज टू इन्फॉर्म यू, वी आर सो ग्लैड टू इन्फॉर्म यू कि हॉस्पिटैलिटी बस का अपना एक ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आ रहा है, दैट इज एचबी लर्निंग को। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो एचबी लर्निंग को एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट है जिसके थ्रू, या फिर वेबसाइट ना बोल के मैं बोलूंगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन कोचिंग में एनरोल हो सकते हो फॉर एनसीएचएमसीटी जेईई 2022 एंड यू कैन हैव टॉपर्स ऑफ एनसीएचएमसीटी जेईई एग्जाम एज योर मेंटर्स। फरवरी से लेके 9th ऑफ मार्च तक आप लोगों की क्लासेस होंगी फॉर क्वांट एंड एलआर। क्वांट एंड एलआर की बात करें तो संस्कृति खरे, आप लोग पहले जानते होंगे संस्कृति खरे के साथ भी मैंने पहले वीडियो बनाई थी, मतलब संस्कृति खरे का अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो संस्कृति ये बात तब की है जब मैंने होटल मैनेजमेंट का एनसीएसएमसीटी जेईई का 2021 का एग्जाम होने से कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी कि स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कर रहे हैं। तो मैंने संस्कृति के साथ एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें संस्कृति ने बताया था कि संस्कृति किस तरीके से शी इज डूइंग ऑल दिस प्रिपरेशन वर्क, उन्होंने बताया था उसके बारे में संस्कृति ने सब कुछ। नाउ आई एम रियली ग्लैड कि संस्कृति की ऑल इंडिया रैंक 20 आई एनसीएसएमसीटी जेईई 2021 में, and she is going to teach you quant and LR. Currently she will be teaching you guys logical reasoning and quantitative aptitude. बात करते हैं हमारे बाकी के सब्जेक्ट्स की जो कि है सर्विस एप्टीट्यूड, यानी कि एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर, एंड जीके एंड करंट अफेयर्स। सो 10th मार्च से लेके 9th अप्रैल तक जानवी परदेशी, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 471 आई है एनसीएचएमसीटी जेईई 2021 में, आई विल बी टीचिंग यू गाइस सर्विस एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। थैंक यू। हाउ डज दिस साउंड, कैसा साउंड करता है ये? इतना ज्यादा कूल साउंड करता है, मतलब आई डोंट नो कि आप लोगों के लिए कूल साउंड करता है कि, बट मेरे लिए तो बहुत ज्यादा कूल साउंड करता है। ठीक है, सो आई विल बी लीडिंग यू, कोऑर्डिनेटिंग विद यू, टेलिंग यू स्टफ्स कि किस तरीके से आप, मतलब बिल्कुल देखो सब्जेक्ट नॉलेज वो आप लोगों को दे रहे होंगे, बट एक होता है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट या करियर परस्पेक्टिव के वे में कि करियर में हमें क्या कॉलेज चूज करना चाहिए, क्या चीजें होती हैं, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। एंड अरिहंत की आप लोग अपनी तरफ से एक बार देख सकते हो उसमें किस किस तरीके का कंटेंट है, क्या चीजें हैं। अगर आप लोग अभी रजिस्टर कराते हो तो अभी आप उसका पार्ट बन जाओ। एंड बिल्कुल ये बात है कि हम लोग भी स्टार्टिंग में हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ही जाने वाले हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को हमसे उम्मीद होगी तो गाइज हम लोगों को भी आपसे उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत अच्छा करो। तो ये दोनों साइड्स का, इट्स जस्ट नॉट कि आप लोगों को हमसे उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा पढ़ाएं, हमें 100% पता है कि हम अच्छा पढ़ाएंगे, बट हमें फिर आपसे उम्मीद है कि आपको अच्छी रैंक लेके आनी है। सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह, वेबसाइट की डिटेल्स वगैरह, इन सब चीजों के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा जिस पर आप लोग सब कुछ डिस्कस कर सकते हो व्हाट्सएप पे। अगर आपको डिटेल्स चाहिए आप लोग वेबसाइट पे जा सकते हो, हमारी वेबसाइट देख सकते हो, उसमें जाके एनसीएचएमसीटी की जेईई के एग्जाम की क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या चीजें होती है, थोड़ा उसके बारे में भी है, आप लोग देखो वेबसाइट भी देखो, बताना किस तरीके की आपको वेबसाइट लगी, आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, क्योंकि मुझे पता है गाइस कि बोर्ड के एग्जाम होंगे तो इट विल नॉट बी इजी। आप लोग सोच रहे कि मेरे तो बोर्ड के एग्जाम है, मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, मैं ऑनलाइन क्लास कैसे लूंगा, बट गाइस थिंक अबाउट इट, सिर्फ आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं है, आपके जो सारे कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें से 95% लोगों के बोर्ड के एग्जाम है, मान के चलते कि 5% वो लोग हैं जो पहले 12th कर चुके हैं, लेकिन 95% की अगर बात करें तो वो सब अभी इस साल मतलब 2022 में बोर्ड का एग्जाम देंगे। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप लोगों को उसका नहीं सोचना, आप लोगों को अगर कोर्स बाय करना है तो इट्स बेटर कि आप लोग बुक ले सकते हो, बट एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपके अंदर श्योरिटी है, आपको लगता है कि आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी कहना ये नहीं कोर्स आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है कोर्स, अगर आपको लगता है कि आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। ओके, सो दैट्स इट, आई होप कि आप लोगों को हमारे एजुकेटर्स पसंद आए हो, हमारा एचबी लर्निंग का प्लेटफॉर्म, एचबी लर्निंग को जो है हमारा प्लेटफॉर्म, वो आप लोगों को पसंद आया हो। हम लोग लिंक्डइन पे हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे हैं, हम लोग
ट्विटर पे हैं, हम लोग हर जगह पे हैं, जहां पे भी आप जाओ। तो सारे लिंक्स वगैरह सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वेबसाइट को जरूर चेक करना, इतना मैं बोलूंगा, वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, आगे और भी वीडियोस आने वाली है रिलेटेड टू दिस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।